लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है और इसी बीच मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज में आ रही कमी को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने और वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भोपाल में अनोखा अभियान चलाया गया। यह अनोखा आयोजन था ट्रांसजेंडर फैशन शो का, जिसमें ट्रांसजेंडर्स ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ रैंप पर वॉक किया। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 10 नंबर फुलवारी के पास स्थित राग भोपाली में बीते शनिवार शाम 7 बजे से शुरू हुआ। इसमें किन्नर समाज की गुरु हाजी सुरैया नायक ने भी हिस्सा लिया। इस रैंप वॉक का मुख्य उद्देश्य समाज को समावेशी, सुगम, निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान का संदेश देना था। साथ ही इसका मकसद ये संदेश देना भी था कि ट्रांसजेंडर मतदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुष और महिलाओं का है। इसके अलावा इस आयोजन में किन्नर समाज के साथ अपना घर आश्रम के बुजुर्गों ने भी रैंप वॉक में हिस्सा लिया। मेरा कहना है 7 मई को वोट डालना जरूरी है, वोट डालना चाहिए और भोपाल को नंबर वन बनाना चाहिए। हाँ, और ये आज फैशन शो हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है, हमें सम्मान मिला, इज्जत दी गई, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें भी ऐसा है, मैं कहूँ भाई देश के नागरिक हैं हम, हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब भी तो हमारे और भी लड़े, किन्नर समाज विधायक भी बने, महापौर भी बने और मैं भी खड़ी हुई थी पहले चुनाव के अंदर उत्तर से विधायक के चुनाव में। और अगर कहीं की पार्टी टिकट देती है तो मैं फिर मैदान में उतरूंगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग की जो पहल है उसमें हमारे हम लोगों को भागीदारी का मौका मिला है। साथ में ये भागीदारी के अलावा समाज के बीच में किन्नर समाज की जो एक छवि वो सकारात्मक रूप से मेरे ख्याल से प्रस्तुत होगी। दूसरा ये है कि समाज में एक बदलाव लाने की बड़ी अनोखी पहल हुई है, क्योंकि अभी तक शायद किन महिला पुरुष के लिए सारी चीजें होती थी, लेकिन आज निर्वाचन आयोग ने थर्ड जेंडर को भी इसमें शामिल करते हुए एक अनोखी पहल करी है, जिसमें लोगों की नजरिया, लोगों का दृष्टिकोण हमारे प्रति बदलेगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील करते हैं और निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आने वाली 7 मई को सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि हमारा एक वोट जो है राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान। आज हम लोग फैशन शो में आए, हम लोगों को काफी सम्मान मिला और काफी अच्छा लगा। हम यही चाहते हैं, हमें हमेशा ऐसे सम्मान मिलता रहे। पहले हम लोगों की गिनती नहीं होती, आज से कम 20 साल 25 साल पहले हम लोगों को कुछ माना नहीं जाता था और मतलब बहुत लोग हट करते थे, सब कुछ करते थे, वो हमें पसंद नहीं था। पर आज हम लोगों को अधिकार मिल रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी टाइप के हैं। वोट देने के लिए लोगों से बस यही कहते हैं, जो भी सरकार बने सबकी बने अच्छी बने और जो भी आए तो वो सब जनता का अच्छा करे, और हम यही चाहते हैं। आपको अपना सरकार चुनने का पूरा पूरा हक है, आप अपना वोट एक सही सरकार को दे, आगे बढ़ाए, अपना इंडिया को रिप्रेजेंट करें और हम चाहेंगे कि हमारे इंडिया बहुत ऊपर जाए। जैसे आज इंडिया से चांद तक जा गए, तो आगे और भी ऐसी नई नई चीजें होंगी जो हमें अच्छा लगेगा। और बाकी मेरी तरफ से तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग को इतना ज्यादा वो कर रहे हैं। गौरतलब है कि रैंप वॉक में किन्नर समाज की गुरु हाजी सुरैया नायक, नानू नायक, नेहा, सिम्मी, काजल ठाकुर, प्रिया, सोना, काव्या, बिजली, रितिका, चांदनी और अन्नू जैसे सभी मौजूद किन्नरों ने स्टेज पर अलग अलग आउटफिट में वॉक किया। साथ ही वोट देने का भी संदेश लोगों तक पहुंचाया। किन्नर समाज की गुरु हाजी सुरैया नायक ने ऑल गोल्डन थीम में खुद को तैयार किया था। रैंप वॉक में किसी ने ऑल देसी तो किसी ने वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न लुक किया हुआ था। इस कार्यक्रम को मिसेज इंडियन इंटरनेशनल 2019 डॉक्टर रानू यादव और यूनिवर्सल वुमेन इंडियन शो की डायरेक्टर अपेक्षा डबराल ने कोरियोग्राफ किया था। बताते चले कि इस शो में हर समुदाय के लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें पहली बार वोट डालने वाले वोटर्स भी शामिल थे। फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला मॉडल, पुरुष मॉडल, बुजुर्गों के साथ किन्नरों ने रैंप वॉक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।